मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और चुनाव यानी 29 अप्रैल को चुनाव होना है और इसकी तैयारियां भी जोरों से हो रही हैं। जनता द्वारा किए गए मतदान में उम्मीदवारों का फैसला होगा। वैसे तो कल्याण लोकसभा सीट से कई उम्मीदवार हैं, मगर वहीं जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है वो दो उम्मीदवारों के बीच में है। एक तरफ जहाँ शिवसेना के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के उम्मीदवार बाबाजी पाटिल हैं। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कल्याण लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं और इनकी काफी चर्चा भी है, पर ये दोनों उम्मीदवार जाति की नहीं बल्कि विकास की बातें कर रहे हैं। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे जहां अपने द्वारा किए गए विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं बाबा जी पाटिल भी विकास करने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो नेता विकास का ही ढोल बजाएंगे, पर यह तय करना जनता का काम है कि आखिर कौन विकास पुरुष है और जनता किसे चुनेगी। पर वही जनता का कहना है कि चुनावी दौर में सभी नेता विकास पुरुष बनकर सामने आते हैं, मगर चुनाव के बाद कोई नजर नहीं आता है। फिलहाल कल मतदान है और इस मतदान में ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत जनता तय करेगी, आखिर कौन वो विकास पुरुष है जिसे जनता अपना कीमती वोट देगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।